हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ सात, साथी हाथ बढ़ाना। जैसा कि आप पाठ के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना का तात्पर्य क्या होगा। ठीक है, तो इसके कवि हैं श्री साहिर लुधियानवी जी। पहले साहिर लुधियानवी जी के बारे में हम जानते हैं। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई थी। सन 1943 में साहिर लाहौर चले गए और उसी वर्ष में उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियां छपवाया। सन 1949 में वे दिल्ली आ गए। कुछ दिन दिल्ली में रहकर वे मुंबई चले गए, जहां फिल्म आज़ादी की राह पर 1949 के लिए उन्होंने पहली बार गीत लिखे। साहिर लुधियानवी ने नया दौर, बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसी लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं, साथी हाथ बढ़ाना। कविता का सार है, प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समंदर से भी राह निकल आती है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे, आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है, हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। अगर एक एक बूंद जल मिलकर नदी बन सकता है, एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपनी किस्मत संवार सकता है। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कविता की पंक्तियां। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आप मिलजुल कर सारे काम करोगे तो वह काम सफल होगा, लेकिन यदि वही काम एक अकेला व्यक्ति करता रहेगा तो वह थक जाएगा। मिलजुल कर कार्य करने से कार्य जल्दी भी होता है और उसमें आनंद भी आता है, इसलिए हमें सभी कार्य मिलजुल कर ही करना चाहिए। कविता की अगली पंक्ति, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पंक्ति का तात्पर्य है कि यदि हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने से समुद्र भी हमारे लिए रास्ता बना देता है, या अर्थात समुद्र में भी हमने रास्ते बना लिए हैं तो इसलिए उसे भी हमारे लिए रास्ता छोड़ना पड़ा और पर्वत को चीर कर भी हमने रास्ते निकाल लिए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि जैसे पर्वत भी हमारी मेहनत के सामने पर्वत ने भी शीश झुका दिया है, इसलिए कभी भी मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। कविता की अगली पंक्ति है, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। कविता की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारी जो बाहें हैं वो फौलादी है, इसमें बहुत ताकत है, हमारे सीने में, हमारे हृदय में उससे भी ज़्यादा ताकत है। यदि हमने मन में, यदि किसी कार्य को करने का यदि दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब कोई भी शक्ति, कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत भी हमें नहीं रोक सकती है। इसलिए हमें
मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, और यदि हम दृढ़ निश्चय करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम सफल अवश्य होते हैं। अगली पंक्ति, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। तो कवि कह रहे हैं कि मेहनत से जो अपनी लेख की रेखा है, अपनी किस्मत है, इसलिए हमें मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। कोई सा भी काम हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है, हमें वह करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कल गैरों की खातिर की अर्थात पहले गुलामी, आज़ादी से पहले भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज भारतीयों से बहुत मेहनत करवाया करते थे, कई सारे काम करवाया करते थे। तो उनकी खातिर भी जब हमने मेहनत की है तो आज हमें अपनी ही खातिर मेहनत करना है। हम अपने लिए मेहनत करेंगे तो हमारी ही तरक्की होगी, इसलिए मेहनत करने से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, ना ही दूर भागना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं कि अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है। हम भारतीय हर काम मिलजुल कर करते हैं, प्रेम से करते हैं, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसलिए सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हुए हमें मेहनत करते रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। जहाँ भी हमें लगता है कि एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा है तो वहाँ उसकी मदद हमेशा हमें करना चाहिए। कभी भी किसी की मदद से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जिस तरह से जब एक एक कतरा एक एक बूंद मिलकर जब नदी बना देता है, तालाब बना देता है, तो एक और एक से एक कण, एक एक कण कण मिलकर जब एक पहाड़ बना सकता है, तब हम एक एक व्यक्ति एक साथ मिलकर हम बड़े से बड़ा काम हम कर सकते हैं। इसलिए जब प्रकृति ही हमें यह सीख दे रही है तो हमें भी उससे सीखते हुए हमें मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए और एक दूसरे की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए कवि इस पाठ से हमें यही सीख दे रहे हैं कि हमें हमेशा इंसान की मदद करना चाहिए और कभी किसी की मदद से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक दूसरे के साथ यदि मिल जाए तो फिर सोचो किस्मत ही बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य में वह शक्ति है जो वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब पर्वत में से रास्ता निकाल सकता है, समुद्र में रास्ता निकाल सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। आप यदि मेहनत करोगे तो आपके लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहकर उनकी मदद करना चाहिए, जिससे काम आसान हो जाते हैं। कोई भी काम यदि आप अकेले करते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उसी काम को यदि मिलजुल कर करते हैं तो वह काम आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप घर में भी कर सकते हैं। मम्मी अकेले अकेले सारे काम करके थक जाती हैं, लेकिन यदि आप छोटे मोटे कामों में यदि उनकी मदद करोगे तो उनके लिए भी सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों।